जिस तरह से अभी सरकार ने अभी जो चौथा चरण में अभी जो बहुत सारी छूट दी है, इन छूटों को क्या लगता है आपको, सरकार ने जो निर्णय लिया है ये सही लिया है या गलत लिया है? ये चौथे चरण का लॉकडाउन है और मेरा ये मानना है कि 58 दिन जो लॉकडाउन चला उसमें राजस्थान सरकार का जो मैनेजमेंट रहा लॉकडाउन का वो पूरे देश में सराहा गया है। और राजस्थान सरकार के जो लॉकडाउन में बहुत सारी जगह मेडिकल फैसिलिटी को एक मॉडल के रूप में, जैसे भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया भी है, तो ऐसे कई हैं। और जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रख के कार्य किया है। कुछ चीज़ें ऐसी भी छूट देना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो गया था कि जो छोटे वर्ग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अपने जीविकोपार्जन के उनके सामने संकट खड़ा हो रहा था, वो परिस्थिति भी देखी। एक तरफ देश की और राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर भी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, वो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने सफलतापूर्वक निर्वहन की, क्योंकि 58 दिन तक लोगों के सामने कल्चर विकसित कर दिया कि आपको किस ढंग से सोशल डिस्टेंस में जीना है, किस ढंग से आपको अपना जीवन रहना, कम से कम बाजार में जाना, कम से कम आप अति आवश्यक कार्यों के लिए ही बाजार में जावे वरना घर पे रहवे, और अपना बिजनेस है तो वो बिजनेस इस ढंग से करे कि किसी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर न हो। सारी चीज़ों का अध्ययन करके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला। जैसे कि देखने को आ रहा था कि जब मरीजों की संख्या कम थी तब सर प्रशासन ने काफ़ी सख्ती की थी, और आज जब मरीजों की संख्या ज़्यादा होगी वहीं प्रशासन ने सख्ती कम कर दी है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी और राज्य की इकोनॉमी और जीडीपी सारी चीज़ें भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब कम थे, जब बहुत सख्ती थी, वो इसलिए थी कि राज्य की जनता को एक कल्चर बताना था कि हमें एक नई बीमारी आई थी, इसमें कैसे जीना और कैसे सर्वाइव करना। अब 58 दिन में मेरे हिसाब से देश की और राज्य की जनता समझ चुकी कि अब हमें किस कल्चर में रहना है, और वो इस कल्चर में रहने के लिए फिट है, इसलिए गवर्नमेंट का ये निर्णय स्वागत योग्य है। तो क्या जो सरकार ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही मायने में सही लिया? हाँ, बिल्कुल स्वागत योग्य है। एस के मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।